अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम कलर करेक्शन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो हमारी बिफोर लुक है वो आप लोगों के सामने है कि क्लाइंट बाजू का हमारे पास इस तरह के आते हैं कि ऑलरेडी उनके हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा डाई हुआ होता है कि जिनको सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका बेस कलर जो है मैं वो 4 नंबर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो किए गए हैं। आई थिंक कि इन्होंने किसी जगह से जो है वो बाल बाल जो है वो डाई करवाए हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी जो है वो डाई का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हुआ है, तो उसके लिए अब हम दो प्रोडक्ट्स को जो है वो मिक्स करेंगे। सबसे पहले एक तो हमारा कटडाउन का मटेरियल होगा, और दूसरा हमने जो इनके लिए कलर सेलेक्ट किया है वो 4 नंबर है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है और बाल को इन्हें बालों के जो कलर है बेस कलर है वो थोड़ा डार्क चाहिए। तो हम लोग जो है वो 4 नंबर के साथ जो है वो इनकी जो है वो बेस देंगे। ठीक है, और साथ में हम जो है इसके साथ जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं वो इस वक्त 30 यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा कटडाउन का मटेरियल है जो हम बना रहे हैं उसके साथ 30 यूज़ कर रहे हैं, और जो हम बेस कलर दे रहे हैं उसके साथ हम 20 वॉल्यूम को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पाउडर में इस वक्त अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड ही को जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसकी मिक्सिंग जो है, क्योंकि ऑलरेडी जब बालों पर बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल लगा होता है तो बाल ऑलरेडी बहुत ड्राई हुआ होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख लें कि बाल जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि बैक पर रेड कलर करने की जो है वो कोशिश की गई है, तो इन बालों को जो है वो लास्ट में जाके हम अगेन फिर से थोड़ा सा जो है वो रेड कलर इस पिगमेंट इसमें जो है वो बालों के अंदर जो है वो डालेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऊपर वाले बालों पर जो है वो काम करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड काम है, थोड़ा सा जो है वो जहन के साथ काम करेंगे तभी हम इन बालों को, जो कि आई थिंक बिल्कुल खिचड़ी जो है वो बने हुए बाल हैं, और इनको सही करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, इसका एक मेथड तो ये है कि आप सारे के सारे बालों को जो है वो एक लेवल पर पहले ले आएं, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि अगर आप सारे बालों को जैसे कि एक्सपोज करेंगे, हम लोगों ने अभी 4 नंबर जो है वो डिसाइड किया, अगर मैं सारे बालों पे 4 नंबर अप्लाई कर दूंगी तो फिर 4 नंबर के बाद जब हम हेयर दोबारा से ब्लीच करेंगे तो बाल जो हैं वो फिर दोबारा से जो है जो कोटिंग हुई होगी 4 नंबर की, उसको उतारने में एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और उस पर बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने का जो है वो डर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको जो है वो इस तरह से काम करना है कि जिन बालों पे हमें ज़रूरत है बेस कलर की वहाँ पर बेस कलर ही को अप्लाई करेंगे, और जिस जगह पर हमें ज़रूरत है बालों को लिफ्ट करने की, लाइट करने की, कट डाउन मटेरियल लगाने की, उस जगह पर हम जो है वो अपना कट डाउन मटेरियल को जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेथड जो है वो एक समझने वाली जो टेक्निक है, एक डिफरेंट जो है वो टेक्निक है, अगर बेस आप लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी ये देखें कि हम लोगों ने सबसे पहली जो फॉइल थी उसके अंदर अपने कट डाउन का मटेरियल जो है वो लगा लिया है। अब ये हमारी जो सेकंड फॉइल है इसमें हम अपना 4 नंबर का जो मटेरियल हमने मिक्स किया है उसको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और स्लाइसिंग टेक्निक के साथ काम इसलिए कर रहे हैं कि स्लाइसिंग टेक्निक के साथ जो है वो आपने हमें जो एप्लीकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको वीविंग टेक्निक से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा जो जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं टेक्निक वाला, तो उसमें ये होता है कि ये काम जो है थोड़ा सा इजी रहता है कि सीधी सीधी आपने स्लाइड सिर्फ लेनी है और वहां पर जो है वो अपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई कर देना है, और फॉइल पेपर में अच्छे से जो है वो रैप जो है वो आपने कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो आपने सेक्शन लेना है। जो आपका बेस कलर होगा उसको बेशक आप थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपका हाईलाइट वाला बाल होगा, आप यहाँ देखें कि इसकी अब हमारा हाईलाइट वाला बाल है, तो इस पर हम जब ब्लीच की जो है वो एप्लीकेशन करेंगे तो इसको जो है हमें जहाँ पर हमारी पीछे बैक वाला जो साइड थी वहाँ पर दरअसल इन्हें किया गया है कैप के साथ जो है वो हाइलाइट्स करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इनका जो फ्रंट वाला पूरा पोर्शन है वो सारा के सारा जो है वो गोल्ड में चला गया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल गोल्डन सा फील हो रहा है। ये इस वक्त जो आपको कलर नज़र आ रहा है सारा कट डाउन का ही कलर है, जो जो कहीं पर नज़र आ रहा है कहीं पर नहीं है नज़र आ रहा है, लेकिन बैक पर जो है वो आप खुद से देखें कि बैक पर जो है वो कुछ बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक भी हैं। अभी फ्रंट की एप्लीकेशन भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे कि फ्रंट पर जो है वो क्या हिसाब किताब है, कितनी कितनी जो है वो स्ट्रीक्स जो है वो इन्हें की गई हैं जी कैप के साथ जो इन्हें जो है
वो हाइलाइट्स करने की जो है वो कोशिश की गई है। और वैसे भी कैप के साथ हाइलाइट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि अगर कैप के साथ हाइलाइट्स करने हैं तो हमें तो पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्लर वाले तो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे ले लेंगे, ठीक है, तो हम घर में ही जो है वो इसको अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि पार्लर से पैसे बचाने के चक्करों में जो है वो घर में भी खर्चा बहुत ज़्यादा किया जाता है, बाल भी डैमेज किए जाते हैं, और उसके बाद फिर उस सलोन पर जाकर डबल पैसे देकर उसको सही भी करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे सलोन पर जाएं जहां ऑलरेडी हेयर का काम जो है वो आपको नज़र आता हो कि वहां पे ये काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है। बालों का जो है काम ऐसा काम है कि आपको जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो ऐसी जगह जो है वो अपने लिए चूज़ करनी चाहिए कि जहाँ पर आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो कि बाल जो है वो आपके ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके बाल ख़राब हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सारे के सारे बालों को ही आपको जो है वो कट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको जो है वो बाल करवाने के लिए जो है वो अच्छी जगह चूज़ करनी चाहिए। अभी आप फ्रंट वाला एरिया जो है वो देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो येलो सा गोल्ड सा कलर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ हम वीविंग टेक्निक पे जो है वो काम करेंगे। और मेरा ख्याल है फ्रंट का पूरा पोर्शन ही जो है वो बिल्कुल गोल्डन किया हुआ है, यानी यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ रूट्स में आपको चंद बाल जो हैं वो ब्लैक नज़र आएंगे, जहाँ पर हम सिर्फ अपना कट डाउन का मटेरियल अप्लाई करें नीचे लेंथ में तो हमें बिल्कुल नीड ही नहीं है कि हम जो है वो कट डाउन के मटेरियल को जो है वो अप्लाई करें, सिर्फ नीचे वाली ऊपर वाली लेंथ रूट्स में हम लोगों ने थोड़ा सा कट डाउन का मटेरियल अप्लाई किया है और साथ ही अपने फॉइल पेपर को अच्छे से जो है वो रैप कर देंगे, ठीक है। और इस रैप कर देने के बाद जो नीचे लेंथ में हमारे थोड़े से बाल बचे हुए हैं इसको जो है हम अपना डार्क कलर जो है उसको अप्लाई करेंगे। इससे ये होगा कि बिल्कुल एक हाइलाइट्स वाला, जैसे कि हमारे क्लाइंट की ख्वाहिश थी कि मुझे डार्क कलर के ऊपर जो है वो हाइलाइट्स चाहिए, तो बिल्कुल सेम वैसा ही रिजल्ट जो है वो आपको ईजिली जो है वो मिल जाएगा। लेकिन मज़ा आता है वर्जिन बालों पर काम करने का अगर ये फर्स्ट टाइम ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि पहले इनका कहना है कि इनके बाल बिल्कुल ब्लैक कलर के थे, ठीक है, 3 लेवल के या 4 लेवल का इनका हेयर था, उस पर अगर हम प्रॉपर तौर पे काम करते हैं तो रिज़ल्ट शायद इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता। लेकिन इस तरह से जो है रिज़ल्ट तो हमें अच्छा मिल गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जो है वो रह जाती है थोड़ी बहुत, जो कि कभी भी इंसान जो है वो पूरी नहीं कर सकता है। मसलन कि अभी देखें जितना इनके बालों पर कट डाउन यूज़ हुआ है, रूट्स में भी कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट हैंड बाल हैं, हालाँकि रूट्स पर तो हमें जो है वो कट डाउन को लगाने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं जो है वो रूट्स में भी बालों का कलर काफ़ी लाइट है। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है कि आपका क्लाइंट जो है उसके कहाँ पे, अगर रूट्स में भी लाइट कलर है तो मैंने रूट्स में भी जो है वो डार्क यानी कि 4 नंबर को साथ साथ जो है वो टच किया था, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी जिस जिस लेयर पर मुझे ज़रूरत थी मेरी कोशिश थी कि मैं ब्लीच को जो है वो ज़्यादा उन बालों पर अप्लाई ना करूँ जहाँ पर इनसे इनको ज़रूरत जो है वह नहीं है, ठीक है। और फ्रंट वाली एप्लीकेशन जो है वो मैंने जो है वो खुद से बल्कि इनकी की थी, क्योंकि बच्चियों की समझ में तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से जो है वो आनी थी कि किस तरह से इनकी जो है वो एप्लीकेशन होनी है, कहाँ पे डार्क कलर, ये देखें रूट्स में भी यहाँ पे लाइट कलर है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर को जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोगों ने इस पे जो है वो काम किया है, और आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पर बनाया है, क्योंकि आपके पास भी तो कभी ऐसा क्लाइंट जो है वो आएगा ही जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम या कभी आ सकता है जिनके साथ जो है वो ऐसे की कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर उनको किस तरह से आपने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हेल्पफुल आपके लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो आज का जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉइल में हम अपना कट डाउन का हाइलाइट्स का जो है वो रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है, मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में हम 4 नंबर को यानी कि डार्क करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि बिल्कुल हाइलाइट्स वाला जो है वो एक लुक इन्हें जो है वो मिल जाए।
और तकरीबन हमें जो है 35 मिनट में हमारा रिज़ल्ट जो है वो मिल गया था, ठीक है। और 35 मिनट के बाद जो है हम लोगों ने जो है वो इनके बालों की वॉशिंग करवा दी है। और अभी हमें प्रॉपर तौर पर आपके सामने रिज़ल्ट है कि हमारा बाल जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कट डाउन हो गया। अब हम टोनिंग करने वाले हैं 9.3 के साथ, ठीक है। और इसके साथ 10 वॉल्यूम डेवलपर को जो है वो डबल रेशो में जो है वो मिक्स करके, तो इनके पूरे हेयर्स पर जो कि तकरीबन 80% ड्राई हेयर है, ठीक है, और उस पर जो है वो हम इसे अप्लाई कर देंगे। और फिर 20 मिनट जो है वो इसे रखेंगे और फिर उससे इसकी जो है वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के लिए जो है स्पेशल शैम्पूज़ जो है आफ्टर डाई
ड्राई शैम्पू जो है जिसका पीएच लेवल 4 होता है उसको हम यूज़ करेंगे, उससे जो है वो बाल एकदम से स्मूथ हो जाता है, बड़ा शाइनी सा हो जाता है, ठीक है। वो लाजमी आप जो है वो यूज़ करें, साथ में कंडीशनर करें, साथ में थोड़ा सीरम को भी जो लगा दें, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा जब अप्लाई किया जाती हैं तो बाल अक्सर बहुत हमारा जो है वो ड्राई फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बाल जो है वो टूटना भी शुरू हो जाता है। तो केमिकल को लगाने के फ़ौरन बाद अच्छे से बालों को शैम्पू करने के बाद, कंडीशनिंग करने के बाद जो है वो सीरम या मास्क का यूज़ जो है वो अगर आप साथ ही कर देंगे तो बाल आपका अच्छा खासा जो है वो स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पर हमने रेड कलर जो है जो ऑलरेडी जो है वो इन्होंने आई थिंक 6.66 जो है नंबर यूज़ किया हुआ है क्यूने ब्रांड में, ठीक है। इसकी इसको थोड़ा सा और मज़ीद इन्हेंस करने के लिए जो है हमने रेड पिगमेंट जो है वो एग्योरा ब्रांड का जो है वो इसमें जो है वो ऐड करके इसको हम फॉइल के साथ जो है वो यानी कि ढाँप देंगे और बाकी सारे बालों पर जो है वो हम टोनिंग करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मिक्सिंग की है हम लोगों ने 9.3 नंबर की, तो वो सारे के सारे बालों पर जो है वो उसको अप्लाई कर देंगे। और इसकी टोनिंग का जो टाइम होता है वो भी जो टाइम होता है वो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आप जो है उसको अपने बालों पर रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है अगेन बालों को अच्छे से शैम्पूज कंडीशनर जो है वो यूज़ करें, सबसे लास्ट में आपने जो है वो शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करना है, ठीक है। टोनिंग से पहले आपने कंडीशनर को यूज़ जो है वो नहीं करना है, और बहुत अच्छे से आपने अप्लाई कर करके इसको कॉम के साथ स्ट्रेट करते हुए पूरे प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे से जो है वो यहाँ पे पूरे बालों पर जो है वो आपने अप्लाई कर देना है, और इससे जो है वो काफ़ी आपका पिगमेंट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका बाल स्मूथ हो जाएगा। और ये हमारी फिनिशिंग लुक है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा हमारा हेयर डाई। आपको कैसा लगा है जो है वो कमेंट करके जो है वो लाजमी बताइएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।